कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है, लेकिन कामकाज और व्यवसाय ठप होने के कारण प्रवासी लगातार पलायन कर रहे हैं। संत कबीर नगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो दिल दहला देने वाली है। तस्वीरों में नन्हे मुन्ने बच्चे, नंगे पांव, पूरा परिवार ई रिक्शा को धक्के मारते दिख रहा है। दरअसल इस परिवार के मुखिया सुनील दिल्ली में रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे लाचार परिवार अपने इस ई रिक्शा को सहारा बनाकर अपने घर बिहार के लिए निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में रिक्शा खराब हो गया, जिससे परिवार के सदस्य धक्का मारकर घर चल पड़े। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता रामा यादव की नज़र इन पर पड़ी। उन्होंने तत्काल रिक्शे को सही कराने और घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली और राहत सामग्री के साथ परिवार को आर्थिक मदद भी की। चार्जिंग में खराब हो गया और जहाँ चार्जिंग बनवाते हैं वहाँ डुप्लीकेट बना देते हैं और वहाँ फिर जो है फिर फूक जाता है चार्जिंग। इसके कारण से हमें सबको धक्का लगाना पड़ा और समाज पार्टी जो है अखिलेश यादव, रामा यादव हमें वहाँ से धक्का अपनी गाड़ियों में रस्सी बांध के और हमारी गाड़ी में लगा के और मदद कर रहे हैं। उन लोगों को मदद करनी चाहिए, लेकिन हम समाजवादी लोग रोज डेली हाईवे पे रहते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, फल वितरण करते हैं, पिलाते हैं, जो जैसी जिसकी मदद होने लायक रहती है हम लोग पूर्णतः ताकत लगा करके उनकी मदद करते हैं। आज इनका रिक्शा खराब हो गया है, पूरा परिवार रिक्शे को धक्का देते हुए आ रहा है। मैंने अपने गाड़ी में इनके रिक्शे को बात करके, इनका रिक्शा खराब है, मिस्त्री हम लोग बना वहाँ इंतजार कर रहा है, रिक्शा इनका बनवाएंगे, इनको आर्थिक मदद भी हम लोगों ने दिया और आर्थिक मदद और भी देंगे, इनको कहीं परेशानी नहीं होगी। अब बिहार तक के समाजवादियों ने बीड़ा उठाया है इसका।